महाभारत युद्ध के उपरांत एक दिन धृष्टराष्ट्र ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, इस युद्ध में जो सेना मारी गई है उसके परिणाम का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। इस पर युधिष्ठिर ने नम्रता पूर्वक कहा, हे महाराज, इस युद्ध में 1,66,20,000 वीर मारे गए हैं। इनके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हैं और 10,165 वीरों का और भी पता नहीं है। धृष्टराष्ट्र ने पूछा, हे महाबाहो, मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ, इसीलिए यह बताओ उन सब की क्या गति हुई है। युधिष्ठिर बोले, महाराज, जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धाग्नि में अपने शरीरों को हर्षपूर्वक होमा है वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं, और जो यह सोचकर कि एक दिन मरना तो है ही, इसीलिए लड़कर ही मर जाओ, हर्षहीन हृदय से लड़ते लड़ते मारे गए हैं, वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं, और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं वे यक्षों के लोक में गए हैं, किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन भी नहीं रहा, जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, इस प्रकार छात्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए थे वो ब्रह्मलोक को ही गए हैं, इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए हैं वे उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिससे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों में आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था उस समय मुझे देवर्षि लोमंस जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं से मुझे यह अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। तो प्रिय दर्शकों, ये थी महाभारत में मारे गए समस्त वीरों की जानकारी। जय श्री राम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।